मांझी थाना के मुबारकपुर गांव में तीन युवकों को बेरहमी से पीटने में एक युवक की मौत और दो युवकों के जख्मी मामले में मांझी थाना प्रभारी को सारण एसपी ने किया निलंबित। मुबारकपुर में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर पहुंचे सारण एसपी से स्थानीय लोगों ने थाना प्रभारी की शिकायत की थी और लोग थाना प्रभारी को निलंबन की मांग कर रहे थे। इस मामले में मांझी थाना में दर्ज कांड संख्या 38/2023 में एक प्राथमिकी अभियुक्त जतुल राय एवं एक अप्राथमिकी अभियुक्त अभिषेक उर्फ करण की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है। वहीं इस घटना के विरोध में मुबारकपुर में उपद्रवियों और उन्माद फैलाने वालों के द्वारा विधि व्यवस्था की उत्पन्न समस्या को लेकर भी प्राथमिकी दर्ज कर सारण पुलिस सभी को चिन्हित कर कार्रवाई के लिए जुट गई है। इन दोनों कांड में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु अपर पुलिस पदाधिकारी सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सोनपुर के नेतृत्व में एसआईटी दल का गठन किया गया है। क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु अतिरिक्त पुलिस बल एवं दंडाधिकारी कैंप कर रहे हैं। जांच की जाएगी, क्या किसकी भूमिका रही, इसकी पूरी जांच की जाएगी। अगर कोई दोषी पाया जाता है, किसी स्तर से लापरवाही और कुछ पाया जाता है तो अवश्य कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों में पहली घटना को लेकर के कितने लोगों की अरेस्टिंग अब तक कर पाए हैं? अभी तक दो व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। इस कांड बाकियों को चिन्हित करके हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। मेरी जनता से ये अनुरोध रहेगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, आपस में मान लें। इस प्रकार की घटनाओं से पुलिस का ध्यान जो है अपराधों के विरुद्ध रक्षण करने की जगह यहाँ केंद्रित हो जाता है। कृपया शांति बनाए रखें, पुलिस अपना काम कर रही है, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। ना तो कोई अपराधी को बख्शा जाएगा और ना ही कोई जो अपने हाथ में कानून ले रहा है उसको। धन्यवाद। तो जो घटना उसके बारे में किस तरह की, देखिए यहाँ पे गाँव में आके मैंने देखा है जो भी यहाँ पे घटना घटी है। पहले जो एक अपराध की घटना घटी, हत्या की जो घटना हुई और यहाँ जो विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई, दोनों मामले पे पुलिस जो है आवश्यक कार्रवाई करेगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ना ही जिन्होंने अपराध किया और ना ही जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया। सभी लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। तो सर, पीड़ित के परिवार का आरोप है कि मुखिया का भी नाम दिया गया था रूपा देवी का, लेकिन पुलिस ने उसको दर्ज नहीं किया FIR में। उसको हटा दिया गया। पूरे प्रकरण में हमने जाँच का आदेश दिया है। अगर किसी भी स्तर से लापरवाही या और कुछ पाया जाता है तो उस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। वायरल वीडियो है सर, उसमें जो दोषी पाए जा दिख रहे हैं सर, जो वायरल वीडियो में, उन पे सर पहचान होगी। हम चिन्हित करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अभी तक कितने लोगों पे एफआईआर हो चुकी है? जो नामजद केस हुआ था वो 5 व्यक्तियों पे हुआ था और अज्ञात केस, अन्य अज्ञात पे हुआ था। पीड़ित परिवार का सर अब तक 2 व्यक्ति गिरफ्तार है। पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि थाना प्रभारी का संरक्षण मिल रहा है उनको। जैसे मैंने आपको बताया, इस पूरे मामले में हमने जाँच का आदेश दिया है, जाँच करके उचित कार्रवाई। लोगों से सर क्या अपील करेंगे आम लोगों से? हम शांति की अपील करते हैं, कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें, आपस में लड़े ना, प्रशासन पर भरोसा करें। हम लोग इसमें अवश्य कार्रवाई करेंगे। कोई भी दोषी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, ना ही हत्या करने वालों में से और ना ही यहाँ पर जो विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी। लोगों की प्रोटेक्शन के लिए पुलिस यहाँ पर रहेगी और आप लोग शांति बनाए रखें। सर, इतनी पुलिस की तैनाती थी फिर भी ये घटना कैसे हो गई? पुलिस बल यहाँ पे था लेकिन काफ़ी संख्या में लोग थे। पुलिस ने विधि व्यवस्था संभालने की कोशिश करी है और यहाँ पर नियंत्रण भी किया है। आगे हम और जो है इस मामले की जांच कर रहे हैं। क्या नुकसान हुआ है अभी जो आपने देखा अभी तक? कुछ घरों को जलाया गया है, किसी के हताहत होने की या किसी के इंजर्ड होने की कोई सूचना नहीं है। कुछ झोपड़ियों में आग लगाई। आर्थिक नुकसान हुआ है? आर्थिक नुकसान हुआ है। अपने स्टडी को दीक्षांत के साथ बनाइए स्मार्ट और बेहद आसान। दीक्षांत सेडुटेक 18 फरवरी 2023 से ला रहा है दीक्षांत लर्निंग ऐप। दीक्षांत लर्निंग ऐप के माध्यम से नर्सरी से 12 तक मिलेंगे टॉपिक वाइज इंटरैक्टिव वीडियो, बोर्ड वर्क, स्टडी मटेरियल, डाउट क्लास, ऑनलाइन टेस्ट
और आप ट्रैक कर सकते हैं अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट। साथ ही आपको मिलेंगे फ्री डेमो क्लासेज। रजिस्टर करने के लिए विजिट कीजिए www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।